वहीं राजनांदगांव गांव की बात करते हैं। यहां पर गोबर खरीद पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नगर निगम क्षेत्र से आने वाले 8 SRM सेंटर को निगम प्रशासन ने बंद कर दिया, जिस पर अब सियासत काफी गर्माने लगी है। बीजेपी के निगम पार्षद गौपालकों के साथ मिलकर निगम आयुक्त के दफ्तर पर प्रदर्शन उन्होंने किया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि गोबर खरीद सेंटर फिर शुरू नहीं किया गया तो गोबर नगर निगम आयुक्त के दफ्तर में डाल दिए जाएंगे। वहीं आयुक्त जगह की कमी का रोना रो रहे हैं। उनका ये कहना है कि जगह मिलने पर फिर से सेंटर शुरू किया जाए। लोगों को मजबूरी में सबको एक साथ यहाँ आकर के आयुक्त साहब के चैम्बर के सामने बैठना पड़ा है कि आयुक्त तो है नहीं अभी, और आयुक्त साहब आ जाए हमको बतला दे कि गोबर खरीदी केंद्र चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा। आज तो ये एक बार मुलाकात के बहाने आए थे, यदि वे वापिस केंद्र प्रारंभ नहीं हुए तो जो गोबर विक्रेता हैं उनके साथ में हम बैठ करके तय करेंगे। ये भी हो सकता है कि हम गोबर खरीदी केंद्रों में गोबर ना ले जा करके और गोबर को जो है आयुक्त साहब के चैम्बर तक के पहुंचाने का काम करें। शासन की इस योजना का जो भावना है, उद्देश्य है, उस पर नगर पालिक निगम की जो रिसेंटली जो ऑर्डर किया गया है वो कहीं और नहीं करती। इन 4 गोठानों में आप अपना गोबर लाइए, गोबर की खरीदी यथावत जारी रहेगी। ये कुछ जगह पे बहुत गौपालकों की संख्या अत्यधिक मात्रा में है, तो ऐसे जगहों पर जरूर गोबर की खरीदी की जाए, तो इसके लिए प्रस्ताव शासन को भेजी भी जाएगी। साथ ही जगह की उपलब्धता का भी परीक्षण नगर पालिक निगम के द्वारा किया जाएगा।